विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक पर पूरे देश की नज़रें टिकी हुई है और ये बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर तक मुंबई में होने वाली है। इसके साथ ही इस गठबंधन में 24 से अधिक दल शामिल हैं और इस बैठक से पहले आम आदमी पार्टी ने बिहार में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और चुनाव का ऐलान होते ही गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गठबंधन के संयोजक बनने को लेकर सवाल किए जा रहे थे। वहीं इस मामले में HAM के संस्थापक जितेंद्र राम मांझी ने कहा कि देखते हैं मुंबई में क्या होता है। नीतीश कुमार कहते हैं कि वह महत्वाकांक्षी नहीं है लेकिन उनकी ना में भी हाँ है। उल्टी वाणी बरसे कंबल भीजे पानी, बताइए जी, कंबल बरसे अब वहाँ भींजे का पानी है संभव? तो उसी प्रकार से नीतीश कुमार कहते हैं हम महत्वाकांक्षी नहीं है। पॉलिटिक्स की बात सदा निगेटिव अफर्मेटिव होती है और एक एक तबके की बात जो है ना वो पॉजिटिव नहीं होती है, वो निगेटिव हो जाती है। तो उसी ये न में हाँ है। गठबंधन के संयोजक के सवाल पर बिहार के मंत्री और जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा कि हमने बार बार कहा है कि चाहे संयोजक की बात हो या नेता की, सभी निर्णय समय पर लिए जाएंगे और आपको बता दिया जाएगा। आपको ये नहीं समझ में आता है कि हम लोग बार बार कह चुके हैं कि चाहे कन्वेनर का बात हो या इसके लीडर की बात हो, सब कुछ समय पे निर्णय लेके आपको बता दिया जाएगा। आप लोग क्यों बेचैन हैं हम नहीं समझना चाहते। हालांकि गठबंधन के संयोजक बनने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ इनकार कर दिया है लेकिन बार बार संयोजक पद के लिए प्रथम दावेदार नीतीश कुमार को ही माना जा रहा है। लेकिन ऐसे में बिहार के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में पैर रखने का ठिकाना नहीं, देश स्तर पर क्या कर पाएंगे। नीतीश के पास ना दल बचा ना इमेज, उन्हें संयोजक कैसे बनाया जाएगा। जहां तक नीतीश जी के प्रयास का सवाल है तो नीतीश जी की तो जो अपनी हालत इतनी खराब है, जो अपने राज्य में अपना पैर रखने का ठिकाना नहीं है, तो आप विपक्षी एकता और देश के स्तर पर उनको, भाई अगर विपक्षी एकता कोई करेगा, अगर आप ऑर्डर में भी देखिए तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद तृणमूल है, उसके बाद DMK है, जो पूरे पूरे राज्य जीत कर बैठे हुए हैं, उनके पास 20-20, 25-25 MP हैं, अपने राज्य में वो जीतने का दावा कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, ना दल है ना इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिया। तो बिहार के पत्रकार, वहीं बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर कहा कि गठबंधन में जो सब मिलकर तय करेंगे वही अंतिम फैसला होगा। देखिए हम लोगों का पूरी तरीके से यही कोशिश रहा कि सब लोगों को एक करके एक साथ बैठाया जाए और हम लोगों ने सफलता पाई है और आगे जो बैठक होगा सब लोग अपनी बात को रखेंगे और निर्णय लेंगे, वो तो सभी लोगों का जो निर्णय होगा वही मान्य होगा ना। वहीं BJP नेता विजय कुमार सिन्हा ने इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर कहा कि अब घमंडी नेता ने अभिनेताओं से गुड़ सीखने के लिए मुंबई जा रहे हैं। नेता जब अभिनेता बनने चले और एक नई फिल्म की कहानी जिसका नाम रखा गया है INDIA, इस्लामीकरण नेपोटिज्म वंशवादी डिस्ट्रक्टिव इटालियन एलायंस के घमंडी वंशवादी भ्रष्टाचारी नेता अब अभिनेताओं से गुण सीखने मुंबई जा रहे हैं। वो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। महागठबंधन के राजनीतिक कलाकारों का एक्शन और डायरेक्शन दोनों प्रदर्शन के पूर्व ही फ्लॉप हो गया। वहीं गठबंधन बैठक से पहले आरोप प्रत्यारोप के चलते ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि कहीं विपक्षी गठबंधन के लिए आम आदमी पार्टी का नेशनल ड्रीम मुसीबत ना बन जाए। हालांकि दावा बार बार किया जा रहा है कि सभी को एकजुट करने के लिए ये गठबंधन किया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का बैठक से पहले ऐलान कर देना यह बताता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का प्लान कुछ और ही है।